हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल ब्लॉग में आप लोग का स्वागत है। जय माता जी। और ये मॉर्निंग का टाइम हो रहा है तो यहाँ पर मैंने ना पीने का पानी सब इसमें भर के रखा है, क्योंकि कैसे पीने का पानी डब्बा खाली करके मुझे लेके जाना था। और यहाँ पर मैं निकाल रही थी कुछ तो सामान, यहाँ से ये गिर गया, ये देखो इस तरह से। तो अभी ये सुबह सुबह पूरा पसारा हो गया है, तो जरा से मैं उठाऊँगी, उसके बाद बच्चों का टिफ़िन रेडी करूँगी। और टिफ़िन में आज मैं बनाने वाली हूँ नूडल्स, तो पहले मैं नूडल्स रख देती हूँ बॉईल होने के लिए, तब तक ये काम होते रहेगा। उसके बाद में फिर जब ये दोनों जब खिंजल छिराका हो जाएगा, फिर मुझे डुबो की भी तैयारी करनी है। तो डुबो के लिए मैं टिफ़िन देखती हूँ वो क्या खाता है, क्योंकि नूडल्स वगैरह तो वो तीखा है तो नहीं खाएगा, तो इसके लिए मुझे उसके लिए दूसरा कुछ देखना पड़ेगा। तो तब तक यहाँ पर मैंने पानी बॉयल कर दिया है, उसमें थोड़ा सा मैंने तेल डाल दिया है। तेल डालने के बाद में अभी मैं इसमें नूडल्स डाल दूँगी। और ये यहाँ देखिए, ये अच्छे से बॉयल हो चुका है। तो अभी मैं छन्नी लूँगी और छन्नी से इसे अच्छे से पानी जो एक्स्ट्रा है उसे निकाल लूँगी और गरम गरम छान लेंगे। अगर तो थोड़ा भी अगर देर हमने रख दिया उसमें तो क्या होगा, उससे वो पूरा ऐसे चिकड़ चिकड़ हो जाएगा, तो इसलिए पहले हमें निकाल लेना है, तब तक वो ठंडा होगा। और यहाँ मैंने तेल में नूडल्स मसाला डाल दिया है, नूडल्स मसाला थोड़ा सा अच्छे से भुन जाए, उसके बाद में सीधा मुझे नूडल्स मिक्स कर देना है। वो वीडियो मेरी क्लिप रहेगी लगता है। तो मिक्स करने के बाद में यहाँ पर मैंने बच्चों के लिए डब्बे में डाल, ठंडा हो जाएगा उसके बाद में बैग में डालूँगी। और तब तक क्योंकि वैन आ गई थी, फटाफट मैं इनको वैन, देखिए मैंने आज वैन की छोटी सी क्लिप बना दी, ये देखिए वैन आ गई। बस अभी ये लोग अच्छे चले गए हैं स्कूल, तो अभी मैं चलती हूँ शाम को। ये है फिर शाम की क्लिप, सुबह की नहीं है। उसके बाद में मैंने डुगो तैयार किया, डुगो भेजा, फिर उसके बाद आके ये शाम को मैंने सरदारी के लिए, फिर मैंने शाम को ही वीडियो स्टार्ट किया। उसके बीच में मैं भी काम पे चले जाती हूँ, तो भी इतनी वीडियो में बीच की नहीं बना पाती हूँ। तो ये सिंपल सा मैंने एक क्या कहते थे पनीर की भाजी मैंने बनाई थी। तो किंजल का जैसे कि कल बर्थडे था पर कुछ किया नहीं, मतलब मेरी बच्चों का मन नहीं था कि नहीं। और कैसा होता ना, जब उसका बर्थडे रहा करता था ना, तो उसके बड़े पापा सब कुछ मतलब तो इसलिए बच्चों का भी मन नहीं था, तो इसलिए हमने कुछ किया नहीं। पनीर दुकान से लाया था, तो पनीर की भाजी और चावल बना दिया था मैंने, बच्चों ने वही सब खाया। और उसके बाद में फिर आटा ख़त्म हो गया था, तो मुझे गेहूँ भी बनाना था, वो भी बना के मुझे लेके जाना है। क्या बना रहे हो भाई, सिखा रहे हैं? बी। रुको डुगु बनाएगा, रुक जाओ करने दो उसको, करो ना। एक छोटा सा, एक छोटा सा, छोटा सा बनाओ, बनाओ बनाओ, अब फटाफट बनाओ, चलो। तो यहाँ पर डुगू हमारा पढ़ाई कर रहा है, डुगू की यहाँ पर चल रही पढ़ाई, थक चुका है, पढ़ाई करते करते थक जाए। कितना पेज लिखना है बेटा? 5 पेज उसको होमवर्क दिया है, वो थक चुका है। अभी लास्ट है एक पेज, नहीं लास्ट का है, करो जल्दी जल्दी करो। मुंडी दुख रहा है, अले अले, उसका मुंडी दुखने लगा है, तो फिर थोड़ा सा होमवर्क करा था, खाना तो बन गया है, तो बस इसकी पढ़ाई कर रही है। यहाँ सब अपने अपने पढ़ाई में, यहाँ पढ़ाई कर रही है खुशी, वहाँ पढ़ाई कर रही है और चिराग, और चिराग इसको करा रहा है, थोड़ा सा मैंने कराया, थोड़ा चिराग किया, सब लोग थोड़ा थोड़ा सब लोग करा रहे हैं, किंजल खुशी मैं सब लोग मिल के चिरा डुगू की पढ़ाई कर रहे हैं। देखते हैं डुगू कितनी पढ़ाई करेगा। नहीं डुगू, जो कितनी तो पढ़ाई करोगे बताओ तो, बहुत ज़्यादा ना, बहुत ज्यादा पढ़ाई करने वाला है, क्योंकि सब पढ़ा रहे हैं ना बाबू को, पढ़ो 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 जल्दी पढ़ो। तो बस अभी पढ़ाई वढ़ाई हो जाएगी, उसके बाद सबको खाना वाना दूंगी, उनको भी भूख लग गई है, तो बस पहले पढ़ाई हो जाए उसके बाद सबको मैं खाना देती हूँ। मिलती हूँ मैं आप लोगों को थोड़ी देर में। क्या कर रहे हो मम्मी? मम्मी
देखो अभी मम्मी उसको चेक कर रही है, ठीक है ना। डुगू तू हटो, तू हटो, तू हो गई पढ़ाई, देख लो सैंडल पहन के रेडी है डुगू। अभी सैंडल अभी निकाल दो, अभी नहीं बाद में। हाथ दिखाओ, हाथ दिखाओ। हाँ 17। हाथ दिखाओ, हाथ छोड़ो छोड़ो हाथ। कैसा हो गया, 2 मिनट बारिश में भीगा देखा और ठंडा ठंडा। तो यहाँ पर मैं गई थी चक्की पे आटा देने के लिए, तो आते आते बारिश होने लगी थी, डुगू भी भीग गया था, तो मैं इसको अभी थोड़ा ड्रायर से कर देती हूँ, नहीं तो फिर कैसे सर्दी होने का डर रहता है। तो बस यहाँ पर देखिए उसके हाथ कैसे हो गए, तो बस अभी मैं डुगू को सब हाथ पैर सेक दूंगी और उसके बाद यहाँ पर मैं वीडियो को एंड करूंगी। वीडियो अगर मेरी पसंद है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, नहीं भी पसंद आती तो भी आप लोग देख लिया करो, देखने का आपका पैसा नहीं लगता है, प्लीज़ पूरा वॉच करो।